इंडिया, पाकिस्तान, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, जो मेल कैरेक्टर है वो फीमेल कैरेक्टर का रक्षक है, प्रोटेक्टर है, वो उसको गुंडों से बचाता है। जनरली हम हाउसवाइफ्स को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ओ शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ। यार तुम लोग मुझे कैसा दिखा रहे हो, क्या बना रहे हो, लूज लूज कपड़े दे रहे हो, मैं कैसी लगूंगी स्क्रीन पर। हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड सोसाइटी। तो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट है उन्होंने बहुत ही अच्छे से आप सबको इम्प्रेस किया अपने परफॉर्मेंस से, एंड शी इज़ नॉट एन एक्टर खाली, बट शी इज़ अ वर्सेटाइल एक्टर जो हर एक रोल बहुत ही अच्छे से निभाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिव्या खोसला की। सो दिव्या, वेलकम टू बॉलीवुड सोसाइटी। थैंक यू अरुणा। सो दिव्या, हाउ आर यू बीन? लाइक वी आर मीटिंग फॉर द सेकेंड टाइम नाउ। यस, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। ग्लोबल सक्सेस हो चुका है सावी, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आपको? सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट, बहुत थैंकफुल फील कर रही हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रही हूँ, बिकॉज एक आर्टिस्ट जो है वो दर्शकों के लिए काम कर रहा है, एंड यू नो जब दर्शक उसका काम देखते हैं, सराहते हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। और अभी सावी नंबर वन पे है इन 15 कंट्रीज ऑलमोस्ट, इन इंडिया, पाकिस्तान, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, ओमान, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर, सारी ग्लोबल ऑडियंस। आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड एनी कंट्री, बट ये सारी ग्लोबल ऑडियंस के नंबर वन पे ट्रेंड कर रही है, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड नेटफ्लिक्स चार्ट्स पर नंबर 5 पे है। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी हैप्पी एंड फीलिंग एक्साइटेड एंड स्माइलिंग। बट नाउ टॉकिंग अबाउट सावी, आपका कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट था, जहाँ पर यू नो यू हैव टू कम अप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन जस्ट टू प्रूव योर हस्बैंड इनोसेंस। ये सारी चीज़ें आई थिंक अभी शुरू हुआ है वुमेंस में, ये चीज़ें पहले नहीं थी। जी जी। तो हाउ डू यू डिफरेंट द पहले का टाइम एंड नाउ? सो आई थिंक दिस इज़ द मेन शिफ्ट दैट्स कम। यू नो बॉलीवुड में जो पहले फिल्में बनती थी वो ऐसी बनती थी कि जो मेल कैरेक्टर है वो फीमेल कैरेक्टर का रक्षक है, प्रोटेक्टर है, वो उसको गुंडों से बचाता है, एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट शिफ्ट विच इज़ हैपन्ड इवन इन द सोसाइटी, बिकॉज अभी पहली बार एक्चुअली हिंदी फिल्मों के पर्दे पर वुमेन का जो कैरेक्टर है वो अपने हस्बैंड को जेल से बाहर निकालने का जेल ब्रेक प्लान एग्जीक्यूट करती है। सो आई थिंक एक्चुअली इट्स आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टू प्ले सावी, बिकॉज मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, देर आर वुमेन हु पोस्टेड ऑन द इंस्टाग्राम, मैंने रिपोस्ट भी किया है कि सावी इंस्पायर्स वुमेन, सावी एम्पावर्स वुमेन। सो यू नो जब आप ऐसी फिल्म बनाते हो जो दूसरों को वो कॉन्फिडेंस दे रही है कि यू नो इतनी स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, एंड कभी हमें किसी भी औरत को हार नहीं माननी चाहिए, तो दैट मीन्स अ लॉट, एंड अलग ही मोटो सेट कर लिया। यस यस, एंड आई थिंक हाउसवाइफ में बहुत शक्ति होती है, जो हमने पिक्चर में दिखाया है कि जनरली हम हाउसवाइफ्स को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ओ शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ, बट अ हाउसवाइफ इज द वन जो पूरे परिवार को सींचती है, यू नो शी इज द सीड, दैट्स वाई द फैमिली गेट सक्सेसफुल। सो आई एम सो हैप्पी दैट आवर फिल्म इज एम्पावरिंग अदर वुमेन, एंड इट्स बीइंग वॉच्ड बाय ग्लोबल ऑडियंस, सो मेन, वुमेन, किड्स, फैमिलीज, एवरीवन इज वॉचिंग इट राइट नाउ। सो ग्लोबली रिलीज हुआ है, तो व्हाट वाज द रिएक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली? बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, दे ऑल सॉ इन द थिएटर, सो थिएटर में ऑल्सो वी हैड अ वेरी गुड कलेक्शन, एंड थिएटर में दे ऑल सेंट मी देयर मैसेजेस, हाउ मच दे लव्ड माय परफॉर्मेंस एंड हाउ मच दे लव्ड द फिल्म, सो मींस अ लॉट। बट लेट मी टेल यू, कितना आपने ये कैरेक्टर एंजॉय किया, बिकॉज हमने आपको कैसी है यारिया में देखा था, ऑल डिफरेंट यारिया, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था आपका जी, आपका यहाँ पर बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, तो आपने किस तरह से मैनेज किया पूरा ईस्ट टू वेस्ट वाला एक्टिंग करने? सो दिस वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन फॉर मी दैट आफ्टर प्लेइंग दिस क्यूट बबली गर्ल लाडली न्यारिया टू, आई वांटेड टू डू अ कैरेक्टर जो 360 डिग्री कम्प्लीटली अलग हो। करेक्ट। सो यू नो ये कॉन्शियस डिसीजन था जो मैंने लिया, एंड आई वॉज जब भी मैं कोई कैरेक्टर लेती हूँ तो इनिशियली ऑफकोर्स मैं बहुत नर्वस फील करती हूँ, क्योंकि जब स्क्रिप्ट आती है तो माई थॉट्स आर लाइक कैसे करूँगी, कैसे निभाऊंगी, बट माई प्रोसेस इज दिस दैट सेट पे जाने से पहले आई एम फुल्ली फुल्ली कॉन्फिडेंट, एंड आई बिकम द कैरेक्टर इन गो, बिकॉज यू नो दैट्स माई प्रेप कि मैं वो कैरेक्टर बन जाऊँ, उसी की जिंदगी जीऊँ। तो मैंने भी जब पिक्चर देखी सावी, इट काइंड ऑफ सरप्राइज मी ऑल्सो, बिकॉज आई सॉ दैट ड्यूरिंग द शूटिंग देर वॉज सो मच
गोइंग ऑन, यू नो, जो बिहाइंड बिहाइंड द सीन्स चलता है, पर्सनली चलता है. बट आई थॉट कहीं दिखा नहीं. जब मैंने देखा वो मुझे भी सरप्राइज किया, क्योंकि मैंने सिर्फ सावी को देखा, मैंने सिर्फ उसके मुझे कहीं दिव्या उसमें दिखी नहीं. एंड ऐसा नहीं था कि वी वर शूटिंग इन अ लीनियर मैनर, वी वर शूटिंग वेरी नॉन लीनियर. कभी भी कोई सीन शूट करते थे, बट वो एक ग्रोथ दिखी है सावी की, जैसे पिक्चर में हुई है, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्ट्रेंथ उसके अंदर बिल्डअप होती है, तो वो सब दिखा है. सो आई एम वेरी हैप्पी नाउ दैट द ऑडियंस इज लाइकिंग दैट. हाउ इज योर चिक नाउ? बिकॉज हमें पता था कि व्हाइल शूटिंग फॉर दिस फिल्म आप यू वर गॉट इंजर्ड एंड ऑल, सो नाउ हाउ इज इट? नाउ थैंकफुली दैट वो पूरा निशान चला गया. जब मुझे चोट लगी थी तो ऑफकोर्स मुझे लगा था कि ये कभी नहीं जाएगा ये निशान, क्योंकि बहुत बड़ा निशान हो गया था मेरे गाल पर. एंड दिस एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव, यू नो, और वो आयरन लोहे की ग्रिल पर ऐसा टकराना और चेहरा पूरा ऐसे हो जाए. बट अब मुझे वही अनिल सर के वर्ड्स याद आ रहे हैं, लाइक आई सेड व्हेन ही एंटर्ड द सेट ही सेड आई वाज क्राइंग एंड ही सेड कि क्योंकि मुझे तभी चोट लगी थी, सो आई वाज क्राइंग बैडली. एंड ही सेड कि जिस भी पिक्चर के सेट पर एक्टर या एक्ट्रेस को चोट लगती है तो दैट फिल्म becomes a hit. It's my experience. So I think his words are his actually true now. His words are true. Yeah. So how Savi and Divya similar or different? I think similar in the way that Savi haar nahi manti. You know. अब हमने देख लिया है. मैं भी कभी लाइफ में हार नहीं मानती. एंड डिफरेंट इन द वे दैट सावी इज अ हाउसवाइफ, शी इज नॉट एन एम्बिशियस वुमन, बट ऑफ कोर्स आई एम एम्बिशियस. सो या, सो इन दैट वे यू गाइस आर सिमिलर. या, इन दिस वे आई एम डिफरेंट एंड दैट वे आई एम सिमिलर. या, अनिल सर के साथ कैसा था पूरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस शूटिंग विथ हिम ऑब्वियसली, एंड सच अ सीनियर एक्टर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, इट्स लाइक वाओ समथिंग. लाइक बहुत सारे एक्टर्स मैनिफेस्ट करते हैं एंड यू got that chance, तो क्या कुछ उनसे सीखने मिला? बहुत ही अच्छा था. आई थिंक हमारी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी आई है जब आप देखोगे, यू नो, पार्टनरशिप. तो वो इसलिए आई है बिकॉज वो इतने passionate hai. He's also go getter passionate, and considering he's been ruling since decades and he's done so many films, tabhi bhi unme वैसा ही passion hai जैसे एक newcomer passion होता है. So, you know, so that's so inspiring because मैंने तो अभी इतना काम किया नहीं है, मैंने hardly कुछ काम किया, but same मेरे अंदर जो passion था, in fact मैं उनसे inspire हो रही थी. जब एक बार हम रात को shoot कर रहे थे और बहुत बहुत ठंड थी UK में और बारिश हो रही थी, हमारा shooting थी, तो I was bit in between shots, I was doing like ठंड लग रही थी. तो he was like ऐसे सोचो सुबह तक शूटिंग है. तो यू नो आई रियली थॉट या, बिकॉज इट्स ऑल मेंटल. अगर आप अपने माइंड से ऐसे सोचो कि सुबह तक है तो ठंड लगेगी ही नहीं. अगर आप सोचो कि अच्छा अभी पैकअप होगा तो दिमाग में वही चलेगा, वही आपको ठंड लगेगी, ठंड लगेगी, इतनी रात हो गई, कल भी शूटिंग है, कल फिर सुबह उठना है. तो यू नो इट्स ऑल मेंटल. सो वेरी इंस्पायरिंग पर्सन. या, ओ गॉड. सो बट घर पे किस तरह से मैनेजेबल हुआ था व्हाइल यू वर ऑन द शूट? बिकॉज आपका सन भी है तो उनको अकेले छोड़कर शूट पे इतना बिजी रहना, वो किस तरह से मैनेजेबल था? सो आई थिंक आई एम अ वेरी यू नो आई एम टोटली इनटू माय सन एज अ मदर. एग्जैक्टली, इसलिए मैंने बोला उनको छोड़ के शूटिंग में. ही केम ऑन द सेट्स बिकॉज उसकी स्प्रिंग ब्रेक हुई थी ड्यूरिंग दैट टाइम, सो ही केम ऑन द सेट्स फॉर सम टाइम. एंड अदरवाइज दिस वॉज आई थिंक द लॉन्गेस्ट टाइम दैट आई हैव बीन अवे फ्रॉम हिम, बिकॉज मेरी बाकी सब फिल्म्स की शूट इंडिया में ही हुई है, बट दिस वॉज इन यूके. सो या, बट अगर कोई सीन की, पर्टिकुलर सीन की बात किया जाए तो ऐसा कौन सा सीन था जो इट वॉज रियली टफ फॉर यू शूटिंग फॉर बट स्टिल यू डिड इट? Any memory? I think this scene only where I got this was the most difficult scene. Yeah. Oh my god. I can never forget that this happened with me and how much I cried and wailed in front of the whole unit. Intense because shakal pe aa gaya and being an actor faces everything. Isliye maybe. So but I still remember हमारे previous interview में आपने ये mention किया था कि you got only 2-3 pair of clothes, right? To shoot and all. What was exactly, आपने क्या सोचा था real में? How is Divya? Is she okay with carrying 2-3 pair or like? No, real में I'm not okay with that. तो मेरी
कॉस्ट्यूम डिजाइनर से रोज मैं इसी चीज पे होती थी, यू नो आई आई वाज लाइक यार तुम लोग मुझे कैसा दिखा रहे हो, क्या बना रहे हो, लूज लूज कपड़े दे रहे हो, मैं कैसी लगूंगी स्क्रीन पर, यू नो ये क्या मतलब, इतना लूज जीन्स कौन पहनता है, इतना छोट ऊपर हो रहा है एंड इतना लूज लूज बड़े बड़े जैकेट्स. सो दे वुड टेल मी नो शी इज गॉट नो टाइम यू नो टू लुक एट हरसेल्फ इन द मिरर, सो शी शुड लुक लाइक दैट. सो लाइक या बट शी इज अ वाइफ, ऐसा कौन लंदन में ऐसा कौन पहनता है. सो दे लाइक जस्ट ट्रस्ट अस, आई सेड ओके अब तो इसको रियल में चोट लगी, करेक्ट, एक तो ब्रूज रियल है प्लस वो जो इमोशन से मैं गुजरी हूँ, बिकॉज साबी के कैरेक्टर को भी चोट लगती है, वो इमोशन इतने रियल हो गए, तो लाइक यार मुझे चोट लग गई, आप पूछते सिंस ये तो चोट लगने के वजह से द यू नो यू वर इन द कैरेक्टर, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर साबी? So my prep is to become the character. I take it to my heart. I become the character totally. Uske ups, downs, feelings, sab feel karti hu main. So it is a hard way, but I make myself go through this. Okay. But Savi has outperformed other major releases featuring stars like Rajkumar Rao and Janhvi Kapoor in Mr. and Mrs. Mai, of course. This success underscores your growing prominence in the industry. How do you take up this? आई एम थैंकफुल टू द ऑडियंस. ऑडियंस के बिना कुछ भी अचीवेबल नहीं है, यू नो ऑडियंस आपके काम को देख रही है, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज आप ऑडियंस के लिए काम करते हो. एंड आई थिंक माई कॉम्पिटिशन इज ओनली विद माई सेल्फ, बिकॉज आई नो हाउ मच मोर आई एम केपेबल ऑफ. सो माई कॉम्पिटिशन इज विद माई सेल्फ, दैट आई टू पुश माई सेल्फ मोर एंड मोर एंड टू give myself more complex roles and more challenging roles. Yeah. So Divya, it was a lovely conversation with you. But before ending this conversation, we would really love to know what's next for Divya. हमने आपको music video में देख लिया. In fact, आज ही I was listening your song. So आपको music video में देख लिया, movies में देख लिया. What's next for Divya now? So अभी तो I'm totally concentrating on acting. And I'm very happy with the success. I can't stop smiling. Yeah. And abhi I'm just starting a Hindi film. Wo announced nahi hai, but so I can't talk about it. So whom you are manifesting to work with now? No, I really want to work with, there's so many good directors, like all of them, there's so many talented directors. So I think I want to work with, because you know film jo hota hai wo director ka vision hota hai, as a actor aap jo bhi kar do. I knew bahut saalon se main janti hu that I have it in me, you know, but aap jab director ke haath mein ho, how he will edit it, which shot will he put, how will he put the background, the music, how he will, you know, treat the whole film. To jab aapko acha director milta hai tabhi aapki वो सामने आती है, वो बात सामने आती है. सो आई थिंक सॉरी आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन ओनली नाउ आफ्टर थिंकिंग सो मच. होम यू आर मैनिफेस्टिंग टू वर्क, या सो आई थिंक देयर आर सो मेनी गुड डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री, सो विद ऑल द गुड फिल्म मेकर्स. नाइस, सो होपफुली ये सक्सेस हो जाए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर. थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो आई रियली वॉन्ट अ स्मॉल बाइट फॉर योर फैंस. Okay, जो इतना प्यार आपको दे रहे हैं उनके लिए एक मैसेज. Hi guys, this is Divya Khosla and you're watching me on Bollywood Society, and I would like to use this platform to thank all of you. आप मेरी फिल्म सावी को इतना सारा प्यार दे रहे हो कि सावी नंबर वन पे है इन ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज, विच इंक्लूड्स सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, आई डोंट नो पाकिस्तान, आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड एनी, बट एंड नंबर 5 पे है ग्लोबल चार्ट्स में. सो गाइस थैंक यू सो मच, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता आपके प्यार के बिना. सो योर लव मीन्स द मोस्ट टू मी. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय.